देश में लोकसभा चुनाव ने जोर पकड़ रखा है और इसी बीच आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में ट्रक से करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। नोटों के बंडल के साथ पुलिस, 8 करोड़ रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है और अब 13 मई को चौथे राउंड का मतदान है। चुनाव के दौरान कई जगहों से कैश मिलने की खबर लगातार सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी चौथे चरण में चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एनटीआर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को एनटीआर जिले में नोटों का जखीरा मिला है। पुलिस ने पाइप से लदे ट्रक से करीब 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने ट्रक और पैसों को जब्त करने के साथ साथ उसमें सवार 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। नोटों के बंडल एनटीआर जिले में गरीका पाडू चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए। जब ट्रक रोककर तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। बताया जा रहा है कि नोट पाइप से लदे ट्रक में अलग केबिन के अंदर रखे गए थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों लोगों से सख्ती से पूछताछ की। इस रकम को हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था। नोट कहां से आए इसकी जांच पड़ताल चल रही है। ट्रक से मिली 8 करोड़ की राशि को जिले की जांच टीम को सौंपा गया है। चुनाव आयोग के अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। दरअसल चुनाव आयोग राज्य और केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड के बागेश्वर में आसमानी आफत बरसी है। बागेश्वर में अचानक ही तेज बारिश हुई और जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। राहत की बात यह रही कि बारिश की वजह से जंगलों में लगी आग बुझ गई। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश बनी आफत। बारिश बेहिसाब, मुश्किलों में बेबस इंसान। आसमान से आफत लेकिन जंगलों को राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां के तमाम नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सड़क पर बहता दिखाई दिया। तेज बारिश की वजह से कई नदी उफान पर आ गई। ऐसी बादल फाड़ बारिश की कि कुछ ही घंटों में वहां पर हर तरफ बारिश का पानी बेरोक टोक बहने लगा। नदी और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें सरयू नदी का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से मई महीने में ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर ही समंदर बहने लगा। मिट्टी खोदने वाली एक मशीन तेज रफ्तार पानी के बीच खिलौने की तरह फंसी नजर आई। कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए कि वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि सिर्फ बारिश ने ही बागेश्वर को बेहाल नहीं किया बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी वहां पर हमला बोल दिया। वैसे लगातार हुई बारिश के बीच राहत की बात ये रही कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काफी हद तक बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में काफी वक्त से आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। इसके बाद ये आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है और फिर जंगल को। चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए तेल की वजह से ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ फैले हुए हैं। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने बागेश्वर में सुलगते जंगलों की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। गर्मी से निजात पाने के लिए आप नारियल पानी जरूर पीते होंगे। ये शरीर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल पानी पीते वक्त काफी सावधानी बरतनी भी जरूरी है।
देखिए ये रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में पारा सितम ढा रहा है, गर्मी अपने पूरे तेवर में है। गर्मी से बचने के लिए हम ठंडा पानी और जूस पीते हैं। गर्मी के मौसम में नारियल पानी की भी काफी डिमांड बढ़ जाती है। नारियल का पानी सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सड़कों के किनारे लोग दुकान के बाहर स्ट्रॉ से नारियल पानी पीते हुए दिख जाते हैं। नारियल पानी वाला तुरंत नारियल को काटता है और हमें स्ट्रॉ लगाकर दे देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रॉ से नारियल पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है? गर्मियों में लोग हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी का ज्यादा सेवन करते हैं और बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस होता है कोकोनट वाटर। सबको लगता है कि इससे पीने से जो है आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर है क्योंकि ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉल को बैलेंस करता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। लेकिन इसको पीने का भी एक सही तरीका है, क्योंकि अब एक नई बात सामने आ रही है कि अक्सर क्या होता है, हमने आमतौर पर देखा है लोग जाते हैं और नारियल को कटवाते हैं और स्ट्रॉ डालकर उसको पी लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे जो इन्फेक्शन भी है वो हो सकते हैं, क्योंकि नारियल के अंदर जो है वो बहुत सारा फंगस होता है जो आपकी बॉडी में जा सकता है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ इन्फेक्शन हो सकते हैं। कई बार अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या एलर्जी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर पहली बात है, एक तो जो स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, तो वो काफी समय तक गर्मी में रहती है, हीटेड हो जाती है, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, क्लीनिंग का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, हाइजीन का वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। बेहतर यही होता है कि नारियल पानी को घर के अंदर लेकर आएं और ग्लास में छान कर आप उसको पिए, ताकि किसी भी तरह की एलर्जी रेस्पिरेटरी समस्या से आप अपने आप को बचा सकें। इसलिए चलचिलाती धूप में नारियल पानी पीने का मन हो तो थोड़ा संयम शरीर को नुकसान से बचा सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों से बचना, क्योंकि आपकी बॉडी में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि नारियल पानी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा, अगर सही तरीके से इसका सेवन किया जाए तो ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचा सकता है और गर्मियों में एनर्जेटिक भी रख सकता है। इसके साथ साथ अगर गर्मियों में आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करें, फ्रूट वाले फल लें और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। नारियल पानी सेहत के लिए संजीवनी माना जाता है, इससे हमारे शरीर को कई फायदे हैं। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है और थकान कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी यह कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स पाए जाते हैं। नारियल पानी में कम कैलोरी और ज्यादा पोषण पाया जाता है। डॉक्टर भी नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। अगर नारियल पानी रोज पिया जाए तो कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। ये वजन कम करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। नारियल पानी के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सेवन बेहद ही सावधानी से करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट।